हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है जो स्टूडेंट्स हैं और जो न्यू प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए। इसमें हम बात करेंगे आरसीटी फेलियर के 5 कॉमन रीज़न। ये वीडियो हम बना रहे हैं एक हमारे जो पेड मेंबर हैं विनायक डेंटल, उनके रिक्वेस्ट पर। तो इसमें हम देखेंगे कि 5 क्या कॉमन रीज़न हैं जिनसे आरसीटी फेलियर होता है, आगे चलकर आरसीटी फेल होने के चांसेस होते हैं, ये हमें पता होने चाहिए, हमें एक्सेप्ट करने हैं। हो सकता है इनमें से कुछ बातें थोड़ा सा बुरी भी लगे कुछ लोगों को, लेकिन हमें एक्सेप्ट करना है, हमें समझनी है चीज़ों को, तभी हम आगे बेटर कर पाएंगे। अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसको हम स्किप करते जाएंगे कि हाँ जो भी है हमें सब आता है, तो ऐसा हम आगे बेटर नहीं कर पाएंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, पूरा आपको वीडियो देखना है जहाँ पर हमारी गलतियाँ हैं। सबसे होती हैं, हमसे भी होती हैं, जितने भी हमारे सीनियर्स हैं जूनियर्स हैं सभी से होती है। तो हमें एक्सेप्ट करनी है, समझना है, उसको सुधारना है, तो आगे चलकर हम और बेटर करेंगे, तो जो पेशेंट है हम उनको अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे। चलिए शुरू करेंगे। अगर चैनल में नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लेना है नोटिफिकेशन के लिए, और पेड मेंबर की तरह ज्वाइन भी कर सकते हैं आप एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए। ज्वाइन बटन क्लिक करें और उससे आप फीचर्स देखकर प्रोसीड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। तो सबसे पहला और मेन रीज़न है पुअर केस सिलेक्शन। जो हम केस सेलेक्ट कर रहे हैं वो हमें देखना है कि ये आरसीटी के लायक भी है या नहीं है। अक्सर ये होता है कि कई बार हम किसी भी केस को ले लेते हैं कि हाँ इसको हम कर लेंगे, और थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में भी हम कभी ये कर देते हैं कि हाँ इसको तो मैं ठीक कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंट को भी हम बोल देते हैं। तो यहाँ पर केस सेलेक्शन से मतलब क्या है ये हमें समझना है। देखिए, कुछ केसेस होते हैं जो बहुत नॉर्मल होते हैं, देखकर समझ में आता है कि रूट कैनाल इसमें आसानी से किया जा सकता है, ठीक हो जाएंगे, वो आप पेशेंट को बताइए। कुछ केसेस होते हैं कि थोड़े चांसेस होते हैं कि हाँ ठीक किया जा सकता है, लेकिन एक चांस है कि शायद ना भी हो, तो पेशेंट को आप बता दीजिए। मतलब ऐसा बोल सकते हैं 50-50 या 60-40 के चांसेस होते हैं, तो ये केसेस आप बता दीजिए पेशेंट को। लेकिन कुछ केसेस होते हैं जिनमें दांत को निकालना ही होता है, या फिर हम ये कहें कि बहुत ही कम चांसेस होते हैं, 80% चांस है कि दांत नहीं बचेगा या आगे चल के प्रॉब्लम करेगा। ये हमें चेकअप के बाद जब हम पूरा एवेलेट कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है। तो ऐसे केसेस में हमें ये नहीं करना है कि हाँ हम ठीक कर लेंगे, पेशेंट पे कर रहे हैं तो पेशेंट पे करने के लिए रेडी है, ठीक कर लेंगे जब तक चल जाएगा, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। पेशेंट को आप बताइए कि आपके दांत की ये कंडीशन है और इसे बचाया जा सकता है, लेकिन इसकी कंडीशन ऐसी है कि 80% चांस है कि नहीं बचेगा, लेकिन अगर बच जाए तो हो सकता है आगे काफ़ी टाइम तक आपको सर्विस देगा। अब आप बताएं कि इसे आप बचाना चाहते हैं या निकलवाना चाहते हैं, पेशेंट की आप ज़रूर उसमें राय लें। अगर आपके समझाने के बाद पेशेंट रेडी हैं तो आप उस केस को करें, आरसीटी उसकी करें। इससे होता यह है कि पेशेंट इंश्योर हो जाते हैं, अगर इनकेस कुछ प्रॉब्लम भी होता है तो उन्हें पता है कि ये हमारा टूथ बचने लायक नहीं था, इतनी प्रॉब्लम थी, उसके बाद भी डॉक्टर ने हमें बताकर किया और इसे बचा लिया। तो केस सिलेक्शन आपको बहुत अच्छे से करना है, पेशेंट को आपको इन्फॉर्म करना है, एजुकेट करना है इसके बारे में। सेकेंड रीज़न है आरसीटी फेल्योर का लैक ऑफ नॉलेज। देखिए, जो आरसीटी होती है, जो रूट कैनाल्स होती हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, इसकी प्रोसीजर जो होती है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, तो नॉलेज की थोड़ी कमी होने के कारण भी ऐसा होता है, जो कि फैक्ट है। अब सभी के पास प्रॉपर नॉलेज नहीं हो सकता, पूरा नॉलेज नहीं हो सकता, मैं सभी की बात कर रहा हूँ इंक्लूडिंग मी। धीरे धीरे करके ही हम इसको सीखते हैं, तो जो हमें आता है हम उसे काम करें, उसे प्रोसीड करें, और जो नहीं आता है हम उसे एक्सेप्ट करके सीखें, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। ना कि हम इग्नोर करें कि जो हमें नहीं आता है तो नहीं आता, जैसा चल रहा है चलने दिया जाए, ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है। जो जनरली होता है कि एक दो केसेस करने के बाद अगर हमने इंटीरियर भी कर लिया तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, और हम हर केस को करने के लिए देखते हैं। जैसा मैं आपको हर बार समझाता हूँ कि पहले आप एक्सट्रैक्टेड टूथ में करिए, अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप पढ़िए, थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, एनाटॉमी आपको पता होनी चाहिए, कैनल्स की प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए, उसके बाद एक्सट्रैक्टेड टूथ में आप परफॉर्म करिए अच्छे से, आप 1-2-4 एक्सट्रैक्टेड टूथ में अच्छे से आरसीटी कर लें, उसके बाद आप पेशेंट में जाइए किसी के सुपरविजन में, किसी सीनियर के सुपरविजन में, उसके बाद सिंगल हैंड आप हैंडल करिए उसको। और इसी पॉइंट के अंदर मैं इंक्लूड कर रहा हूँ इंस्ट्रूमेंट्स और मेडिकमेंट्स की नॉलेज भी होनी हमें चाहिए, हम पहले पढ़ें उसके बाद हम प्रोसीड करें। कई बार हमें इंस्ट्रूमेंट भी नहीं पते होते कि कौन से यूज़ करने हैं, अगर कैनाल नहीं मिल रही है तो क्या यूज़ करना है, अगर कैनाल अंदर नहीं जा रही है, लेंथ नहीं बढ़ रही है कैनाल की,
हमें बढ़ाने की ज़रूरत है और नहीं बढ़ रही तो हमें क्या यूज़ करना है, EDTA वगैरह हमें यूज़ करना होता है, और भी चीज़ें हैं जो इरिगेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मेडिकामेंट्स हैं, हमें पता होनी चाहिए, प्रोसीजर हमें पता होने चाहिए। थर्ड पॉइंट है इम्प्रॉपर BMP और इरिगेशन, वो इम्प्रॉपर बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन और जो इरिगेशन हम करते हैं। देखिए दो पॉइंट्स हैं, इनको हम ध्यान रखेंगे तो काफ़ी कुछ हमारा सॉल्व हो जाता है कि हम केस सिलेक्शन अच्छे से कर लें और साथ ही साथ में नॉलेज हो हम क्या कर रहे हैं उस चीज़ का, हम प्रॉपरली उसको करते हुएंगे। इसके बाद आता है BMP और इरीगेशन। जब हम स्टार्ट करें तो BMP हमें अच्छे से करनी है, बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन, कोई पल्प टिश्यू ना छूटा हो, इन्फेक्टेड टिश्यू ना छूटा हो, जनरली छूट जाता है, ये आगे चल के प्रॉब्लम कर सकता है। और इरिगेशन जिसकी हमने बात की, इरिगेट आपको बहुत अच्छे से करना है, हर बार करनी है। जनरली कई लोग करते हैं कि आपने फाइलिंग की और फिर फाइलिंग करते जाते हैं नेक्स्ट नंबर से, इरिगेशन हर बार नहीं करते हैं। इरिगेट करिए, जितना डेब्रीज है उसको निकालिए और अच्छे से आपकी BMP होती है और प्रॉपर मटेरियल से इरिगेट करिए, जिसकी भी आपको ज़रूरत है, सोडियम हाइपोक्लोराइड है, सलाइन है या क्लोरेक्सीडीन है, जो भी है, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि BMP हमारी प्रॉपर होनी चाहिए, साथ ही साथ में इरिगेशन हमें प्रॉपरली करना है। फोर्थ पॉइंट है जो RCT फेल्योर का होता है जनरली, वो है अनसर्च कैनाल और अनफिल्ड कैनाल, या तो ऐसी कोई कैनाल है जिसको हम सर्च नहीं कर पाए हैं, मिली ही नहीं है हमें, या फिर अनफिल्ड कैनाल, दोनों को हम अलग अलग समझते हैं। देखिए जो RCT है बहुत पेशेंस चाहिए होते हैं इसमें, ये बात आप ध्यान रखें, जब भी आप RCT करें पेशेंस आपको बहुत चाहिए होते हैं। जब भी हम पोस्टीरियर्स में कर रहे होते हैं, 3 कैनाल है, 4 कैनाल है, टाइम इसमें ज़्यादा लगता है। और स्टार्टिंग में अक्सर ये होता है, अगर हम न्यू प्रैक्टिशनर हैं या स्टूडेंट हैं और हम फाइलिंग कर रहे हैं, हमने 2-3 नंबर तक फाइलिंग की, स्टार्टिंग में हम कई फाइल्स भी यूज़ करते हैं जो 15 से 40 है, तो एक एक करके हमें यूज़ करनी होती है। एक ही कैनाल में आपको काफ़ी टाइम लग गया, 15-20 मिनट लग गया मान लीजिए, फिर हम इरिटेट होने लगते हैं कि पेशेंट क्या सोच रहे होंगे, पेशेंट को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, ज़्यादा टाइम लग रहा है, एक ही कैनाल हुई है, फिर अभी सेकेंड में जाना है, अभी एक कैनाल है जो सर्च भी नहीं हुई है। तो पूरा प्रॉपरली आपको टाइम लेकर करना है, RCT में टाइम लगता है, पेशेंस आप में होने चाहिए। तो इस कारण आपको कोई भी कैनाल अनसर्च नहीं रखनी है, नहीं मिलता है, जितना आपने कर लिया है उसको आप फिल कर दीजिए, मेडिकामेंट डालिए, उसके बाद नेक्स्ट सिटिंग में आप करिए, लेकिन कैनाल आपको सारी सर्च करनी है। फिर वो रेयर केसेस हैं कि मिल ही नहीं रही है या फिर कैल्सीफाइड है, वो एक अलग इशू है, लेकिन आपको कैनाल सारी सर्च करनी है। इसी में जो हम बात कर रहे हैं अनफिल्ड कैनाल, देखिए अनफिल्ड कैनाल दो टाइप की हो सकती है जनरली, या तो हमने किसी कैनाल को फिल ही नहीं किया है, मतलब हम उसे छोड़ दिए हैं, या वो छोटी थी या फिर वहाँ पर नहीं जा रहा था इस कारण हमने छोड़ दिया है, या किसी और कारण से हमने अनफिल्ड छोड़ दिया है, और दूसरा है कि हमने प्रॉपरली उसको फिल नहीं किया है, जितनी हमारी वर्किंग लेंथ थी, जहाँ तक हमें फिल करना था वहाँ तक हमने नहीं किया है और काफ़ी शॉर्ट उसको रखा है, बहुत छोटा उसको रखा है, तो ये भी आगे चल के प्रॉब्लम करता है। साथ साथ में अनफिल्ड के साथ में यहाँ पर ही मैं इंक्लूड कर ले रहा हूँ कि जो एपेक्स के बाहर चली जाती है, ओवरफिल्ड अगर कैनाल आपने कर दी है तो उससे भी RCT फेल होती है, फेल्योर के चांसेस होते हैं और ज़्यादा होते हैं अगर ओवरफिल्ड कर दी है, अगर एपेक्स के बाहर आपका जो मटेरियल है, गट्टा पर्चा है वो है, तो ओवरफिल्ड भी नहीं होनी चाहिए, अंडरफिल्ड भी नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है, तो RCT फेल्योर से हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है जिससे RCT फेल हो सकती है अगर हम ध्यान नहीं रखें तो, वो है मेडिकेशन और टाइम। समझते हैं, मेडिकेशन मतलब कि जिस दवाइयों की ज़रूरत है, जितने समय के लिए ज़रूरत है इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग, वो आपको पेशेंट को देनी है, प्रॉपरली समझाना है, और जितना टाइम लगने वाला है वो आपको समझाना है। देखिए आजकल सिंगल सिटिंग रूट कैनाल होने लगा है, मतलब जनरली रूट कैनाल में 3 से 4 टाइम का आना होता है पेशेंट को, 3-4 विजिट होती है, लेकिन अब सिंगल सिटिंग रूट कैनाल होने लगा है, एक ही बार में सारा कुछ कर दिया जाता है, फिलिंग भी कर दी जाती है, तो पेशेंट को ये आपको समझाना है, जिस केस में सिंगल सिटिंग नहीं हो सकती, मान लीजिए बहुत बड़ा लीजन है अंदर, ज़्यादा घाव है, पेरिएपाइकल लीजन बड़ा है, तो पेशेंट को समझाना है कि इसमें सिंगल सिटिंग नहीं हो सकती, हमें मल्टीपल सिटिंग में इसको करना होगा, तो ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए। और साथ साथ में मेडिसिन, मेडिसिन जो आपकी चलनी है वो आपको प्रॉपरली चलानी है ताकि इन्फेक्शन कम हो, और मल्टीपल सिटिंग में भी हमें बहुत जल्दी नहीं करना है, अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है
जो पेरिपाइकल लीजन बहुत बड़ा है, अगर आप कुछ टाइम लेना चाहते हैं, पेशेंट को चेक करना चाहते हैं, पीएमपी कर दीजिए, उसके बाद आप कुछ समय बाद फीलिंग करिए, जो ऑब्चुरेशन है वो करिए, और ऑब्चुरेशन के बाद भी आप ट्रायल कर सकते हैं टेम्प्रेरी फीलिंग करके कि कोई पेशेंट को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। जब हो जाए, ठीक हो जाए पेशेंट, उसके बाद आप परमानेंट फीलिंग करिए, और उसके बाद फिर आप कैपिंग की प्रोसीजर करिए, आगे बढ़ाइए। तो आरसीटी जो है काफ़ी पेशेंस का काम है, पेशेंस आपको रखने और पेशेंट को एजुकेशन ज़रूर देनी है, एजुकेट आपको इसके बारे में ज़रूर करना है। तो 5 पॉइंट्स मैंने बना के आपको समझाने का ट्राई किया, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो इसे आपको लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, अपने जो और भी मेंबर्स हैं आपके, जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले, नॉलेज हो। और जो वीडियोस आप देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में आप वो बता सकते हैं, ट्राई करेंगे जल्दी उन पर भी वीडियो लेकर आने का। इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।